and to whom are the words addressed? पूछा गया है कि poem में कौन बोल रहा है, speaker कौन है और किस से जो अल्फाज हैं वो बोले जा रहे हैं. तो जैसे कि title से जाहिर है mother to son, तो हम इसका answer कैसे ऐसे दे सकते हैं. आप एक काम करें, जो लेक्चर सुन रहे हैं आप एक साथ कॉपी पेंसिल रखें और जो मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बोलता हूँ आप वहाँ पे लिख लें, क्योंकि ये आपको लेक्चर आंसर्स कहीं नहीं मिलने वाले. तो ऑप्शन एक आंसर है, अ मदर इज टॉकिंग टू हर सन. दूसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर हर लाइफ विद. पूछा गया है कि किस से जो स्पीकर है अपनी ज़िंदगी को किस से मुआवजना कर रहा है, कंपेयर कर रहा है. तो हमें जैसे कि पता है कि वो फ्लोर के साथ अपना मुआवजना करता है स्पीकर, तो अब स्पीकर उसकी माँ है, तो हम मतलब ये जमा और वाहिद का सीगा, जमा और ऐसे चलता रहेगा, मुज़क्कर मुअन्नस का, सॉरी. आंसर इसका ये बनता है, शी कंपेयर्स हर लाइफ विद अ बेयर फ्लोर. बेयर फ्लोर फर्श को कहते हैं, टॉर्न एंड अनकारपेटेड, कि वो जो फ्लोर है उस पर वो टूटा हुआ है लकड़ी का है और उस पर कारपेट भी नहीं है. क्वेश्चन सी, व्हाट डज द स्पीकर इनकाउंटर ऑन द स्टेयर, कि वो स्टेयर पे किन चीज़ों से मिलता है, उसकी मुलाकात, इनकाउंटर मुलाकात करना किन चीज़ों से मिलता है. तो आंसर है, शी इनकाउंटर्स टैक्स एंड स्प्लिंटर्स. डी, इवन दो देर हैव बीन ऑब्स्टेकल्स इन द वे, अगरचे के उसकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलात या रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स रुकावटों को कहते हैं, इन व्हाट हैज द स्पीकर डन टू कंटिन्यू हिज जर्नी. तो स्पीकर क्या कर चुका है अपने सफ़र को जारी रखने के लिए. आंसर है इसका, शी हैज़ ऑलवेज मूव्ड ऑन, मतलब कि उसने अपना सफ़र जारी रखा है, आगे बढ़ती गई, मूव्ड ऑन आगे बढ़ना, विदाउट गेटिंग डिसहार्टेड. डिस हार्ट, एच ए आर टी हार्ट, टी ई एन ई डी, डिसहार्टेड, बगैर शिकस्ता दिल के, बाय द ऑब्स्टेकल इन द वे, जो उनके उसके रास्ते में जो रुकावटें थी उसके बावजूद, बाय द ऑब्स्टेकल्स इन द वे. ऑब्स्टेकल क्वेश्चन में भी यूज हुआ तो आप इस तरह लिख सकते हैं. Which three pieces of advice does the speaker give the boy? कहते हैं कि कौन से वो तीन जो नसीहतें हैं जो कि स्पीकर करता है बच्चे को. She asks him, answer है, not to turn back. She asks him not to turn back, not to sit down and not to fall. Option number, question number 5. F, which sentences are repeated in the poem? तो आपको जैसे पता है कि एक ही लाइफ आ रही थी, एक ही लाइन आ रही थी, लाइफ फॉर मी एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर एंड स्टिल क्लाइंबिंग. क्वेश्चन जी, विच लाइन इज द शॉर्टेस्ट एंड व्हाई डू यू थिंक द पोएट मेड दिस लाइन शॉर्ट. पूछ रहे हैं कि कौन सी लाइन छोटी है और क्यों पोएम ने पोएट ने इसे एक अलग लाइन बनाया छोटा. तो हम कहेंगे, द सेवंथ लाइन ऑफ द पोएम इज शॉर्ट, इट कंटेन्स ओनली वन वर्ड, आई थिंक द पोएट हैज शॉर्टेड दिस लाइन to emphasize the fact that the speaker has had life without much resources. तो line को छोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि जो speaker है उसकी ज़िंदगी भी बड़ी थोड़ी है, बड़ी महदूद है. महदूद word best है इसके लिए समझने के लिए, क्योंकि उसके पास इतने ज़राए और वसायल नहीं है, तो इसलिए इस line में word ज़्यादा नहीं डाले गए. तो answer इसका ये हो सकता है, the poet made this line short to show the limited things of the speaker. ये इसका आंसर है. H, option H, what is the mother's experience of life? तो आपको जैसे पता है वो कहते हैं माँ का experience कैसा है ज़िंदगी का, तो उसका तो बेचारी का बहुत खस्ता हाल है, शिकस्ता दिल के साथ. तो her experience of life has been tough and hard. Tough, T-U-G-H. What? Why do you think she is telling her son about her life in this way? आंसर है, she is teaching him to accept the difficulties and challenges in life and try to overcome them. ये बताया जा रहा है कि उसकी माँ को, उसकी माँ उसको बताती है ताकि वो मुश्किलात और तकलीफ को बर्दाश्त कर सके. क्वेश्चन नंबर 10. अब ये क्वेश्चन बहुत लंबा है तो मैं उसकी स्टेटमेंट तो नहीं पढ़ता, मैं डायरेक्ट आंसर पे आ जाता हूँ. टैक्स एंड स्प्लिंटर्स रिप्रेजेंट हार्डशिप ऑफ मेंटेन relations. Both tones up represent unexpected events, and the places with no carpet on the floor represents helpless situation. Bear represent a lack of resources, zaraye ka jo fukdan hota hai usko. Climbing on represent progress.
Regional land and turning corners represent change in planning. Going in the dark, अंधेरे में जाना का मतलब यही है कि शिकस्त मान लेना. It shows helplessness or hopelessness. Where there ain't been no light, कि वहाँ पे कोई रोशनी नहीं है, represents hope where there has not been any hope. वीडियो जो कि लॉन्ग होती जा रही है तो मैं ना बहुत शॉर्टली आपको बताता हूँ. क्वेश्चन नंबर टू बी वर्किंग विद वर्ड पूछा है उन्होंने. उन्होंने कहा है कि जो अनस्टैंडर्ड वर्ड हैं, स्टैंडर्ड मीन जो रूटीन में इस्तेमाल होते हैं, उन वर्ड को जो स्टैंडर्डाइज करें, यानी कि जो वो सही मतलब के तौर पे इस्तेमाल हुए हैं उसको उसकी शेप में दोबारा लिखें. तो एंट मीन्स हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन. टैक मीन्स नेल्स. आइस बीन मीन्स आई हैव बीन. क्लाइंबिंग क्लाइमिंग, और इसका सही है क्लाइंबिंग, आई एन जी लगानी है लास्ट पे. रीचिंग मीन्स रीचिंग. लैंडिंग लैंडिंग्स, आई एन जी लगाते जाना बस. ये अमेरिकन और स्टैंडर्ड इंग्लिश का फर्क है. टर्निंग, वो आगे से टर्निंग आ जाएगा. गोइंग गोइंग्स. कॉज बी कॉज, कॉज के पहले बी. फाइंड्स फाइंड. काइंडर काइंड ऑफ, क्योंकि एक पोइम का रिदम होता है. अगर वहाँ पे ये बिकॉज पूरा लिखेंगे या आई हैव बीन पूरा लिखेंगे तो वो तो एक प्रोज की शक्ल हो जाएगी, वो पोएम नहीं रहेगी. पोएम का एक रिदम होता है, शॉर्ट लिखी जाती है पोएम. आगे ऑप्शन नंबर टू देखें. उन्होंने कहा है कि स्टैंडर्ड वर्ड को रिमूव करके दोबारा सेंटेंस में यूज़ करना है. पहले सिर्फ हमने वर्ड यूज़ किए हैं, अब सेंटेंस में. तो सेम आपने वो वाले जो ऊपर मैंने वर्ड आपको बोले हैं, जो आपको ने आपने लिखे हैं, ठीक है, उनको आपने नीचे सेंटेंस में जहाँ पे यूज़ है उनको उसके साथ रिप्लेस कर देना. मसलन कैसे, आईज एक्सेप्टिंग हो जाएगा आई हैव बीन एक्सेप्टिंग. As been waiting हो जाएगा I have been waiting. I ain't gone हो जाएगा I am not going. और D जो option this been हो जाएगा sorry these been हो जाएगा they have been. She stayed at home cause she was ill. Cause की जगह because answer में आ जाएगा. If you ain't doing this, इसका answer है if you are not doing this at all, if you find it is too difficult to do now. Option C, learning about language. अब इसमें sentence बताया जा रहा है. Sentence क्या होता है? A sentence is a complete thought put into words. एक मुकम्मल ख्याल होता है जो अल्फाज में रखा जाता है. इसकी पहचान ये होती है कि ये कैपिटल से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है. तो हम कह सकते हैं ऑक्सफर्ड डिक्शनरी में इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, डेफिनेशन ये है सॉरी. A sentence is a group of words which gives a complete sense and start with a capital letter and it ends with full stop. अब आगे इसकी चार एग्जाम होती हैं. एक सेंटेंस की चार एग्जाम होती हैं. ये एक स्टेटमेंट हो सकता है. स्टेटमेंट सिर्फ कोई चीज़ बयान करना. स्टेटमेंट क्वेश्चन, कोई सवाल पूछने के लिए. कमांड्स, कोई हुक्म देने के लिए. और एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन कहते हैं निदा देने को, यानी कि किसी सेंटेंस में अपनी जज्बात एहसास फीलिंग्स इमोशंस को डालना. वो सेंटेंस क्या करेगा, उसके आगे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेटरी मार्क आएगा. एक्सक्लेमेटरी मार्क वो उल्टा आई को कहते हैं, इमोशन शो करने के लिए, किसी स्ट्रेस देना हो किसी सेंटेंस पे. ये जो येलो बॉक्स है ये तो हमने ही, मैं आपको पढ़ के सुनाता, हम इसके डायरेक्ट आंसर पे जाते हैं. उन्होंने पूछा है कि पिक आउट द स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस कमांड्स एंड एक्सक्लेमेशन. तो आप देखें पहला जो ऑप्शन ए है, द बोर्ड आर टॉर्न अप, ये एक स्टेटमेंट है. तख्ते टूटे हुए हैं, ये एक इंफॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है एक. डिड यू हियर व्हाट इट आई सेड, बी है. अब ये देखें ये क्वेश्चन है, क्योंकि डिड पहले आ गया और क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है. ज़्यादा कोई ये परेशानी वाली बात नहीं है, ना ये को बच्चे को के लिए इतना मुश्किल होगा. क्वेश्चन मार्क लास्ट में आ गया तो ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया. कीप इट सेफली इन अ ट्रंक, अब उन्होंने किसी ने हुक्म दिया है. सी ऑप्शन देखें, कीप इट सेफली, इसे हिफाजत से रख दो इन अ ट्रंक, ट्रंक में. तो अब देखें ये एक क्या है, हुक्म है, कमांड है, इंपेरेटिव सेंटेंस इसे कहते हैं. इसकी पहचान ये होती है कि डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है. अब देखें कीप है, कीप पहला सेंटेंस से शुरू वर्ब से हुआ, डी, तो ये कमांड था. अब डी पे देखें, हाउ फ्रेश इट इज, अब देखें लास्ट पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी मार्क है. हाउ फ्रेश इट इज, कोई बंदा खुश हो गया देख के, कोई फीलिंग आ गई है, जज्बात आ गया, ठीक हो गया, तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया. ई, इट विल चेंज कलर्स इन टू आवर्स, ये दो घंटों में ये रंग तब्दील कर लेगा, एक स्टेटमेंट है, इंफॉर्मेशन है.
थ्रो इट अवे, फिर कमांड आ गई एफ में आगे, फिर कमांड आ गई थ्रो इट अवे, इसे दूर फेंक दो, हुक्म आ गया ना। अब देखें थ्रो एक वर्ब है, डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। आई बर्नड, जी आई बर्नड इट यस्टरडे, मैंने इसे कल जला दिया था। तो वो कोई वाक्य बयान कर रहा है, इन्फॉर्मेशन है, स्टेटमेंट है, तो आगे इसको स्टेटमेंट आगे एस लिख लें। ये सारे जो सेंटेंस है ना उनके आगे आगे उनके पहले पहला वर्ड लिख लें। ऑप्शन ए एच, हैव यू बर्नड इट येट, क्या तुमने इसे जला दिया है या तुम इसे जला चुके हो, क्वेश्चन मार्क आगे आ गया। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अच्छा, कुछ बंदे इंटेरोगेटिव कहते हैं, वो गलत है। इंटेरोगेटिव नहीं होता, इंटेरोगेशन नाउन होता है, तो उससे ही वो अक्स कर लेते हैं कि जैसे इंटेरोगेशन है वैसे इंटेरोगेटिव है। नहीं, करेक्ट है इंट्रोगेटिव। क्या इंट्रोगेटिव? आगे जिसका पार्ट टू है, उन्होंने कहा कि मेक क्वेश्चन फ्रॉम द सेंटेंसेस बिलो, कि इन सेंटेंस के क्वेश्चन बनाए। तो वीडियो शॉर्ट करने के लिए मैं सिर्फ आंसर बोलता हूँ। आंसर एक आंसर है, हैड इट टैक्स इन इट, सिंपल जो आपका बी फॉर्म का जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो स्टार्ट में आ जाएगा, हैड इट टैक्स इन इट। अब क्वेश्चन मार्क लाजमी लास्ट पे डालना, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। दूसरा बी, बी का देखें, वेयर द प्लेसेस विद नो कारपेट, वर द प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, ये मैंने ना साथ लिखा हुआ। देखें इसमें भी हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया और लास्ट में क्वेश्चन वर्ब आ गया, फ्लोर के बाद क्वेश्चन मार्क, सॉरी। सी, डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास, अब देखें ऊपर डिड नहीं है पर हमें पता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हमने ये हमें पता है कि पास्ट इंडेफिनिट को अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो हम उसका हेल्पिंग वर्ब डिड होता है उसका इस्तेमाल करते हैं, इंट्रोगेटिव बनाना हो या नेगेटिव बनाना हो। तो डिड ही सिट डाउन ऑन द ग्रास क्वेश्चन मार्क। डी, डज शी फाइंड इट हार्ड, अब देखें शी फाइंड्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसका क्वेश्चन वर्ड बनाने के लिए डू डज का इस्तेमाल करते हैं, और शी क्योंकि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो हम डज का इस्तेमाल करेंगे, डज शी फाइंड। अब ऐसे इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड कर सकते हैं, या सेंटेंस में ऐसे ऐड करेंगे या डज, तो डज के साथ ऐसा आ गया, ठीक है। तो डज शी फाइंड इट हार्ड क्वेश्चन मार्क। आई एम स्टिल वर्किंग हार्ड, इसका हो गया एम आई स्टिल वर्किंग हार्ड। बी लास्ट, लास्ट ऑप्शन हमारा क्वेश्चन, उन्होंने कहा है कि कुछ पांच जुमले ऐसे बनाए जो पहले स्टैंजे में इस्तेमाल हुए उसके क्वेश्चन बनाने हैं उस लाइन के। तो ये जी आज की हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपसे गुजारिश है कि मेहनत होती है वीडियो बनाने पे, हमने लेसन प्रिपेयर किया है सारा, एक्सरसाइज फिर आपके लिए रिकॉर्ड किया है, एक पेज पे लिखा है सारे की जो मैंने पॉइंट्स बयान कर रहे हैं। तो आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी करें और लाइक कमेंट लाजमी करें अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया। और नेक्स्ट आपको कोई लेक्चर चाहिए 6, 7, 8 मैट्रिक तक, कोई भी आपको इंग्लिश का लेक्चर चाहिए तो आप काइंडली मुझे कमेंट में बताएं, मैं वो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकअल्लाह।